शोभित जी, जो मुझे पता चला है आपका नाम शोभित पांडे है और आप कानपुर के महेश्वरी मोहल के रहने वाले हैं। कल ये जो टेस्ट मैच के पहले दिन जो कंट्रोवर्सी आई है, आपका एक फोटो आया जिसमें आप पता नहीं क्या खा रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? इस पर मेरा कहना ये है सर कि लोग बता रहे हैं कि मैं गुटखा खा रहा हूँ या मसाला खा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली सच्चाई ये है कि मैं उसमें गुटखा मैं खा ही नहीं रहा था। मैं उस समय खाता मीठू सुपाली जी, राहु सुपाली जो आती है यहाँ कानपुर की गलियों में, छोटी दुकानों में मिलती है राहु सुपाली, मैं वो खा रहा था। कौन से स्टैंड में मैच देख रहे थे और कितनी बजे का ये लमसम वाकया होगा, आपको क्या याद है? अच्छे से मुझे याद है, ये गेट नंबर 11 की बात है और 70 ओवर पूरे हो चुके थे जी, बस ये तभी का वाकया है। उस समय मेरे पास एक कॉल आया, मेरा एक फ्रेंड था वो गेट नंबर 8 में था जी, तो वो मेरे पास मतलब आने को जो कह रहा था, तो मैं उसको तो यही बता रहा था कि वो कॉल केवल 10 सेकंड 11 सेकंड का कॉल था कि गेट नंबर 11 में है, इस तरफ से ऐसे से आ जाओ, तब इतनी कॉल थी। जब ये सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो आपको इसके बारे में कब पता चला कि ये बहुत वायरल हो गया है? घर में सवाल पूछे क्या, दोस्तों ने सवाल पूछे? मुझे ये मालूम पड़ा सर मैच खत्म होने करीब 10 मिनट पहले। अच्छा। जो है ये एक फोटो आई थी उसी फ्रेंड के फोन पे जिसको मैंने फोन पे बात की थी जी, जो है कि तुम्हारे पर जो है न्यूज बन के तुम वायरल होगा। मैंने कहा हमके इतना कुछ होगा क्या वायरल होगा, हम किसी ने बना दिया होगा बस। उसके बाद फिर जब जब घर आधे घंटे में 15 मिनट में सब फैलते गए। परिवार ने क्या रिएक्शन दिया गौरव जी? परिवार में कोई रिएक्शन नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसा मैंने जो है वो गलत किया ही नहीं है कोई ऐसे में। मैं तो कल ही मैं देखने आज मैं देखने आया था, कोई जब मैं जो मैंने गलत किया और तुम किस बात का। गौरव जी, कल से आज तक आपके पास कई दोस्तों यारों के भी मैसेजेस आए होंगे, मीडिया के भी फोन आ रहे हैं, क्या कुछ उलझन है? मैच नहीं देख पा रहे हैं, क्रिकेट नहीं एंजॉय कर पा रहे हैं? उलझन तो सर एक इस बात की है कि जो लोग कह रहे हैं कि मेरे साथ में मेरी बहन थी उसके ऊपर कुछ एक दो लोगों ने जरा मतलब भद्दा कमेंट कर दिए, और दूसरी बात यह कि इतने फ़ोन आ रहे हैं इतने मीडिया वालों के कि अब मुझे इरिटेशन हो रही है। ऐसा नहीं कि मैं गलत हूँ इसलिए, क्योंकि अब ज़्यादा हो गया है, मतलब इतने फ़ोन इतने कॉल हमने कभी लाइफ में नहीं रिसीव किए इतने। क्या आपको लगता है आपकी प्राइवेसी का भी कहीं ना कहीं उल्लंघन हुआ है? कैमरा आपके ऊपर जानबूझकर फोकस किया गया, सोशल मीडिया अगर ज्यादा सेंसिटिव होता तो चीजें बेहतर होती? नहीं, कैमरे वाले की तो गलती कहने, लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ ज्यादा ही वायरल हो गया। ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा गलत हुआ था, ना ही मैं इतना कोई वो हूँ, वो वायरल कुछ ज्यादा ही हो गया। अच्छा, कुछ लोग कानपुर की इमेज को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या मैसेज है? कानपुर की कोई इमेज खराब नहीं हुई है। पहली बात तो मैं मसाला नहीं खाए हुए था, उस समय पाई खाए हुए था, और दूसरी बात क्या है, वो तो सर पूरे हिंदुस्तान में सब जानते हैं कि यूट्यूब के कानपुर में मसाला का सबसे ज़्यादा कारोबार होता है, सबको मालूम है, और जहाँ भी ज़्यादा चीज़ बिकती है वहीं पर आदमी इसको पसंद करता है।